Good morning, school students and all. How's you all? But in the previous classes, we have discussed the topic in motivation in class 12. Today, our topic is what? That how to motivate an employee through incentives. As Abraham Maslow, sir, says what? That motivate an employee. In today's world scenario, the only one thing which is required is to satisfy the need of a person. Because without satisfying the need of a person, how can we motivate someone? Because, you know, to satisfy someone, we have to fulfill his needs. And my dear, you know what? ये एक रईस या richer section of a society के लिए तो ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता. But my dear, middle class के लिए या जो एक lower middle class या poor people, उनको ये डायलॉग कहना अच्छा नहीं लगता कि पैसा सब कुछ नहीं होता. क्यों? उसके पीछे रीजन है my dear. Because आज के टाइम में बेटा 90% चीजें, 90 क्या, even 95% things are to be purchased through money. Because whatever you would like to consume, for that you have to pay money. And employees को इसी point को consider करते हो. Abraham Maslow साहब बोलते हैं कि employees को motivate करने का जो best way है वो क्या है? Incentives. जिस भी organization में employees को incentives proper दिए जाते हैं वो organization की growth पक्की होती है. अच्छा, इसके साथ साथ बेटा हमारे जो इंसेंटिव्स हैं वो दो तरीके से इन्होंने डिस्कस किए हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट मॉनेटरी इंसेंटिव्स. मॉनेटरी इंसेंटिव्स में बेटा देखो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ वर्ड क्या, पेन अलाउंसेस. हम लोग आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन शायद था, एज यू बेटर नो केस स्टडी ओरिएंटेड पेपर है तो उसके अंदर आपको एक केस दिया जाएगा. आपको ये क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा that identify the types of incentive being highlighted in the above case. So monetary है, non-monetary. So second में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा है, कोई monetary, non-monetary, कोई monetary है. अब monetary में भाई pay and allowances हैं, productive wage incentive हैं, bonus है, profit sharing है, co-partnership है, और भी कुछ और भी हैं. So we'll discuss this accordingly step by step. तो इसको आपको मीनिंग इसका जानना जरूरी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं. बेसिक पे एंड अलाउंस बेटा, जब एक एम्प्लॉई ना जब जॉब करता है तो उसकी जब सैलरी फिक्स की जाती है तो सैलरी ना हमेशा सीटीसी बोला जाता है. सीटीसी का मतलब पता है क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी. कॉस्ट टू कंपनी का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉई जब किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी में काम करने की वजह से कंपनी को कितनी कॉस्टिंग लगती है. ठीक है भाई, एक तो अमाउंट रेट से कंपनी, देखो कंपनी क्या क्या फैसिलिटी दे देती है. कंपनी एक अमाउंट तो बेटा कैश पे कर देती है, कैश में पे कर देती है. एक उनको अलाउंसेस दी जाते हैं. अलाउंसेस का मतलब पता क्या होता है? जैसे कि उनको बेटा एचआरए दिया. एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ऐसे ही डीएनएस अलाउंस, ऐसे ही डीएनएस पे मोबाइल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस. फाइन, तो बेटा मुझे आप एक बात बताओ, ऐसे में क्या कंपनी की कॉस्टिंग लगती है? आपकी बैंगलोर में जॉब लगी, आप रिवाइडिंग में रहते हो, बैंगलोर में आप जाओगे तो कंपनी आपको रहने का देगी, रहने के लिए घर दे रही है. ठीक है, कंपनी या तो आपको रहने के लिए घर दे रही है, कह रही है कि नहीं नहीं टेंशन मत लो, हम आपको ना पैसे देंगे, आप कहीं पे भी जाकर के रेंट पे ले लेना. तो कंपनी आपको पैसे दे रही है ना, उसका कंपनी ने आपको लेक्चर फूड अलाउंस दे दिया, कंपनी आपकी अच्छी पोस्ट है तो कंपनी ने आपको ड्राइवर दे दिया, कार दे दिया, पेट्रोल अलाउंस हो जाता है. अलाउंस का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज को छूट, प्रिविलेजेस देना, जिसकी वजह से एम्प्लॉय खुश होकर के कहीं पे भी शिफ्ट करे और जाकर के जॉब करे और कंपनी के लिए अच्छे से विद एफिशिएंसी विद इफेक्टिवनेस काम करे. इसके अंदर बेटा फूड अलाउंस, अगर आपको खाना फ्री में दे दिया, आपको ट्रांसपोर्ट मतलब आपको गाड़ी दे दी, ड्राइवर अलाउंस ड्राइवर भी दे दिया, पेट्रोल अलाउंस पेट्रोल के भी पैसे दे दिए, फिर मोबाइल अलाउंस दे दिया,
हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, मतलब ये सारे खर्चे होते हैं जो उस सारे खर्चे क्या कंपनी भी बियर कर लेती है कुछ एक एम्प्लॉयज के लिए। तो एक तो होता है पे, बेसिक पे मतलब जो सैलरी पे कर दिया, उसके साथ साथ कुछ क्या होता है बेटा अलाउंसेस छूटे विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई जस्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉई। लेट्स से रिस्पेक्टेड हरीश सर हमें मुझे आज गुड़गांव शिफ्ट कर देंगे, तो बेटा मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग देखो गुड़गांव में एक रहना और एक रेवाड़ी में रहना दोनों में अंतर है, रेवाड़ी की कॉस्टिंग अलग है गुड़गांव की कॉस्टिंग अलग है, बट स्टिल रिस्पेक्टेड हरीश सर ने कहा कि दरअसल यू हैव टू गो गुड़गांव एंड दैट सिचुएशन माय डियर सब मेरे नाम वाला मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी ना क्योंकि भाई मेरे खर्चे बढ़ेंगे गुड़गांव में, बट अगर हरीश सर मुझे कुछ अमाउंट भी ज्यादा ऑफर करेंगे तो क्या मैं उससे मोटिवेट होऊंगा। हाँ, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टू गिव एन इंसेंटिव्स, आर गेटिंग माय पॉइंट्स, या प्रोडक्ट लिंक वेज इंसेंटिव्स। नेक्स्ट बोला जिसने जितना काम किया उसको इतनी सैलरी, भाई 20 यूनिट बनाई आपको भाई मान लो लेट्स से फिक्स कर दिया गया भाई हम आपको 50 रुपीस पर यूनिट देंगे, किसी ने 20 यूनिट बनाया तो 20 यूनिट को 50 से किया 1000 रुपए, किसी ने 50 यूनिट बनाई 50 रुपए 2500 रुपए, जितना काम उतना पैसा। व्हाट आर द प्रोडक्शन इज टू बी डन बाय यू पीपल, अमाउंट इज बीइंग अकॉर्डिंग, इट्स नॉट लाइक दैट द अमाउंट इज बीइंग फिक्स्ड, वो ज्यादा काम करेगा तो उसको ज्यादा पैसा, कम काम करेगा तो उसको कम पैसा। बोनस, बोनस बेसिकली बेटा कंपनी ना अपने एम्प्लॉइज को देती है अगर थ्रू आउट द ईयर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और कंपनी के प्रॉफिट जो है मोर देन एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, बोनस कब दिया जाता है मोर देन एक्सपेक्टेशंस, तो ऐसे केस में कंपनी उनको क्या दे देती है बेटा बोनस दे देती है, क्या दे देती है बोनस, जैसे दिवाली पे बोनस दे दिया जाता है एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब पता क्या है बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे कंपनीज के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उन कंपनीज के अंदर जो डायरेक्टर लेवल तक की जो पोजीशन होती है, जो डायरेक्टर लेवल की पोजीशन होती है उनकी ना जो सैलरी फिक्स की जाती है ना पता कैसे फिक्स की जाती है, लेट्स से 1.5 लाख पर मंथ प्लस 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब देखो सैलरी किस तरीके से डिजाइन है, 1.5 लाख पर मंथ पर महीने आपको कितना मिलेगा डेट का प्लस आपको 1% प्रॉफिट का भी बेटा कंपनी का प्रॉफिट। अच्छा ये थ्रू आउट द ईयर 1.5 लाख पर मंथ मिलेगा और जो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट तो साल के एंड में निकलेगा, हाँ तो साल के एंड में नेट प्रॉफिट का भी 1% आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा पूछा एक बार प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब एम्प्लॉयज परफॉर्म अच्छे से करेंगे, एम्प्लॉय परफॉर्म अच्छे से कब कर रहे हैं जब उनको पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा सैलरी होगी, तो ऐसे केस में आपको नहीं लग रहा कि एम्प्लॉय बूस्टअप होगा मोटिवेट होगा काम करने की और वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो प्रॉफिट हो। लास्ट आता है बेटा को पार्टनरशिप, लास्ट को पार्टनरशिप, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे और स्टॉक ऑप्शन। कंपनीज एम्प्लॉई के साथ क्या कर लेती है माय डियर पार्टनरशिप, इट वाज लाइक एज मच एज सिमिलर टू द प्रॉफिट शेयरिंग बट समवेयर डन इट इज क्वाइट डिफरेंट। टेक्निकली इसको हम समझेंगे, इसका दूसरा नाम ईसॉप भी होता है। ईसॉप का मतलब होता है बेटा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी नहीं है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड नहीं है, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है क्या बंडल ऑफ शेयर्स,
शेयर्स भी कौन से, इक्विटी शेयर्स, आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर आता है ऑनर ऑफ अ कंपनी, ऑप्शन, एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया जाता है कि आप उस स्कीम को लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो मत लीजिए। प्लान, प्लान का मतलब है इट इज टू बी प्लान बाय द कंपनी जस्ट टू बूस्ट अप द एम्प्लॉय, जस्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉय दैट नॉट टू लीव द कंपनी, कंपनी से आपने जुड़ा रहना है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये एम्प्लॉयर प्लानिंग करता है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए, और उसका तरीका क्या होता है कि वो कंपनी को एम्प्लॉयज को ना बंडल ऑफ शेयर्स दे देते हैं इक्विटी शेयर। और आपको बात ये अच्छे से पता है इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी। ऐसे सिचुएशन में माय डियर मुझे एक बात बताइएगा, जब इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ अ कंपनी देन दैट सिचुएशन माय डियर डोंट यू थिंक कंपनी को एक तरीके से एम्प्लॉयज के साथ पार्टनरशिप सी कर ली, भैया आप एम्प्लॉय भी हो और आपको इक्विटी शेयर भी दे दिए, तो कहीं ना कहीं जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है क्या कंपनी का ओनर भी होता है? So directly, indirectly, don't you think somewhere down the line it seems that the shareholders or employee is going to be the partner of a company? Yeah. Clear? They behave like a partner. This employee motivate okay. Or somewhere down the line emotional attachment. Clear? Fine. I will be asking you. Next class we will see you. Enough for that. Bye. Take care.